सो बेसिकली यहाँ पे बोट की एक न्यू वॉच आई हुई है, एप्पल वॉच सीरीज रिलेटेड की हूबहू कॉपी लगती है यहाँ पे बोट की वेव विविड करके, और इसमें आपको एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है 2.01 इंचेस का, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले और 502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, 410x502 पिक्सल्स का। और गाइस यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों की बात करेंगे। वैसे अगर आप चैनल पे आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते हैं। इसकी वैसे बेस्ट वैल्यू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, 4 कलर शेड्स में अवेलेबल है ये, सिल्वर और स्टील वाला भी आपको मिल जाएगा, स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस सिल्वर वाला सेम प्राइस ब्रैकेट में ही है, 299 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में है। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा आपको, क्या ये वॉच लेनी चाहिए, ये वर्थ है या नहीं है, या आपको किसी और वॉच के लिए जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एप्पल वॉच सीरीज रिलेटेड की कॉपी लगती है, रोटेटेबल क्राउन के साथ भी आती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। आई नो यहाँ पे ये वो वॉच नहीं है, बट लुक और फील इस तरीके से ही देखने को मिलता है, इतनी बड़ी वॉच है। आपके लार्ज रिस्ट के लिए अच्छी है, मीडियम रिस्ट के लिए अच्छी है, बट थिन रिस्ट पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा आप सब, ठीक है। तो चलिए लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जानते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में और फीचर्स के साथ साथ इसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, इस तरीके से ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आप कोई सा भी कलर चाहो, जॉन साहब को कलर चाहिए आप चूज़ कर सकते हो, चाहे वो सिल्वर, चाहे वो ब्लैक, चाहे बिज, चाहे एक्टिव स्टील, तो आप 4 कलर शेड्स में बेसिकली इसको ले सकते हो। वैसे ये स्टील वाला स्ट्रैप भी सेम आपको वही 299 में मिल रहा है, तो लॉन्च ऑफर पर मिल रहा है, और उसी के साथ साथ सिल्वर वाला भी आपको सेम 299 रुपीज़ के प्राइस पैकेट में देखने को मिल रहा है, तो गाइस ग्रैब कर सकते हो आप। अब चलिए इसके मेन फीचर्स के बारे में जानते हैं, क्या ये जो बोट की अदर वॉचेस है उसकी तरह है या कुछ डिफरेंट मिलता है इसमें आपको। सो गाइस आपको पता होगा यहाँ पे बोट की वेव एलिवेट आई थी कुछ टाइम पहले, और कहीं ना कहीं ये जो वॉच है वो कहीं ना कहीं एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की कॉपी लगती है वाली भी देखने में। इसमें आपको डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी मिलती थी, बट अभी जो वेव विविड आई है उसमें भी आपको डिस्प्ले इससे थोड़ी सी बड़ी मिलती है, अगेन एमोलेड डिस्प्ले भी है। अगर मैं यूआई की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से टॉगल मेन्यू मिल जाएगा, साथ में एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगी, और साथ ही में यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल टाइप की बेजल्स मिलेंगी, चारों तरफ ब्लैक बॉर्डर मिलेंगे आपको, बट ये कि सिमेट्रिकल रहने वाली है। यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से आके आपको बाय करना है इस वॉच को। अगर हम बात करें यहाँ पे, इस तरीके से मिल जाता है आपको रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन और सेकेंडरी बटन भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता दूं कि ये एग्जैक्ट बोट की वेव विविड नहीं है, बट उसी की तरह लुक वाइज सारे के सारे फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन ये मत बोलना कि मतलब ये वॉच नहीं आप दूसरी दिखा रहे हो, तो गाइस मैं बता के बता रहा हूं आपको स्टार्टिंग में। यहां पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस्ट टू वेक भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, और साथ ही में यहां पे इस तरीके से आपको माइक कमांड मिल जाएगा, मतलब स्पीकर कमांड मिल जाएगा काफी बड़ा, और साथ में पीछे की साइड आपको सेंसर मिल जाएंगे, वैसे डेडिकेटेड रेड और ग्रीन एक्शन के सेंसर मिलने वाले हैं आपको। उसी के साथ साथ मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, स्ट्रैप्स रिमूवेबल रहने वाले हैं, आफ्टर मार्केट का आप 22mm आफ्टर मार्केट के इसमें लगा पाओगे। अब गाइस यहां पे फीचर्स की बात करते हैं, टैप करके आप होम पे पहुंच जाओगे, इस तरीके का यूआई मिलेगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, और यहाँ पे डबल टैप करके आप यूआई को भी चेंज कर पाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये विंडोज़ वाला टाइप का भी यूआई मिल जाएगा, और यहाँ पे लिस्ट वाला तो है ही है, और यहाँ पे इस तरीके से वापस से आपको देखने को मिल जाएगा, तो 4 आपको यूआई स्टाइल मिलते हैं देखने के लिए इसमें। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके प्रोज और कॉन्स बता दूंगा। यहाँ पे फोन आप मिला पाओगे, कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच है सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ, स्पोर्ट्स मोड 100 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे, साथ ही में एक्टिविटी डाटा आप ट्रैक कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटर, एस्पीड लेवल मॉनिटर और ब्रीथ ट्रेनिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेस मॉनिटर तो रहने ही वाला है आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा देखने के लिए, और साथ में नोटिफिकेशन एक्सेस, स्लीप मॉनिटर, वेदर अपडेट्स, अलार्म आप सेट कर पाओगे वॉच में इटसेल्फ, बट यहाँ पे ओनली वाइब्रेट करेगी, रिंग नहीं करेगी जब अलार्म अलार्म बजेगा आपका। साथ ही में यहाँ पे म्यूजिक वॉच में सॉन्ग सुन पाओगे आप, ये अच्छी बात है, बट स्टोर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे आप स्विच कर पाओगे, बट यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते म्यूजिक को। AI वॉइस असिस्टेंट के साथ ही वॉच आएगी, और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैलकुलेटर और गेम भी देखने को मिल जाएगा, एक गेम मिलेगा बेसिकली इसमें आपको, मैं आपको दिखाता हूँ गेम कहाँ गया, इधर ही था एक्चुअली, ये रहा, तो एक गेम मिल जाएगा, और वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इस वॉच में इटसेल्फ। पिक्सल साइज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा बोट की वेव विविड में, और 410x502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है जैसे मैंने आपको बताया, और पीक ब्राइटनेस भी आपको 600-650 निट्स तक की देखने को मिल जाएगी। राइट साइड में शॉर्टकट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, इस तरीके से आप वो कर सकते हो। लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, नीचे के साइड से आपको मैसेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये आपको यूआई देखने में जो बीट एक्सपी की मार रेज की तरह देखने में लग सकता है, बट अगेन गाइस वही है, आप समझ सकते हो, बट एमोलेड डिस्प्ले ऐड कर दी गई है बोट की तरफ से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं। गैस जिस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल रही है ना 299 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में, डेफिनेटली अच्छी बात है, और एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही वॉच मिल रही है। बट अगर इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन पता है कौन सी वॉच है, फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर जो
प्लस है बेसिकली, वो इसका डायरेक्ट जो कंपैरिजन है वो आपको 2500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है ऑन Amazon। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, बट उसमें भी आपको सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिलता है, इसमें भी सिंगल चिप कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने मिल जाता है। बट अगेन गाइस, उसमें जो डिस्प्ले है 1.96 इंचेस की है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी बड़ी मिल रही है, तो कॉम्पिटिटर तो है ग्लैडिएटर प्लस, बट अगेन गाइस ये जीत जाते हैं डिस्प्ले के मामले में। तो गाइस इस प्राइस ब्रैकेट में 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में सबसे पहले इसका प्लस पॉइंट हो जाता है कि इसकी डिस्प्ले ओवरऑल मतलब वैल्यू फॉर मनी वॉच मिल रही है। सेकंड इसका पॉजिटिव पॉइंट पता क्या, एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा का लुक, मतलब पूरी हूबहू कॉपी लगती है एप्पल वॉच सीरीज अल्ट्रा की देखने में। तो गाइस सामने वाला चकमा खा सकता है, आपने एप्पल की वॉच पहन रखी है कोई और ब्रांड की पहन रखी है। थर्ड इसका पॉजिटिव पॉइंट पता है, थर्ड इसकी डिस्प्ले है गाइस, डिस्प्ले आपको काफी अच्छी मिलेगी, 2.5D कर्व ग्लास मिल जाएगा ऊपर की साइड से और सिमेट्रिकल टाइप की बेजल्स मिलेंगी, पिक्सल साइज अच्छा है, पीक ब्राइटनेस अच्छी मिलती है आपको, एज इट इज डिस्प्ले मिलती है, बड़ी डिस्प्ले मिलती है, तो गाइस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी बेटर मिल जाता है जिसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस बेटर मिलने वाला है। तो तीसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट ही होता है। चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट है, सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ ही वॉच देखने को मिलती है, तो बोट की वॉच सिंगल चिप कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलती है, बट एक चीज की कमी रहती है वो है वॉच में सॉन्ग सुनने का ऑप्शन, बट यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाता है। फिफ्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट पता है, फिफ्थ इसका पॉजिटिव पॉइंट है रोटेटेबल क्राउन का सीन, यस इसमें रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेकेंडरी बटन मिल जाती है और यहाँ पे गेम्स कैलकुलेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मेनू स्टाइल भी आप चेंज कर पाओगे काफी ज्यादा, 4x मेनू स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे पांचवें पॉइंट में ये सारी चीजें इसमें एड ऑन हो जाती है, तो ये इसके पांच पॉइंट्स हो जाते हैं। और अब नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट पता है क्या, इसकी डिस्प्ले ही है नेगेटिव पॉइंट, मतलब इसका डायल साइज है बेसिकली, डिस्प्ले तो नहीं कहूंगा डायल साइज का काफी बड़ा है, तो ये वॉच थिन रिस्ट वाले और स्किनी रिस्ट वाले बिल्कुल भी ना देखें, उनके हाथ पे बहुत बेकार लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इस वॉच को सिर्फ लास्ट और मीडियम रिस्ट वाले ही लें, थिन रिस्ट वाले ना ही लें। तो दूसरा इसका नेगेटिव पॉइंट है, जब आपका अलार्म बजता है ओनली वाइब्रेट करती है, तो यहाँ पे रिंग का प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हुआ था। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो गाइस तीसरा तो मेरे ख्याल से कोई इसका नेगेटिव पॉइंट बचता नहीं है, तो पांच इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं और करीब दो इसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली ये पास कर जाते हैं टेस्ट को। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बोर्ड की विविड, जो बोर्ड की वेव विविड का आप जाके ग्रैब कर सकते हो। चार कलर शेड्स हैं, ब्लैक सिल्वर स्टेनलेस स्टील ब्लैक और नॉर्मल सिलिकॉन वाला ब्लैक। मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप चेन वाला ही लें, क्योंकि वो कम प्राइस में मिल रहा है। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनको एक काम करना चाहिए था यहाँ पे बोर्ड को, जो चेन वाला स्ट्रैप है उसका प्राइस 3000 रखते हैं और नॉर्मल वाले का 2500 रखना चाहिए था, तो काफ़ी बेटर रहता, काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्राइस हुआ था। बट अगेन सबका प्राइस सेम है, आप जाके चेन वाला लोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वो चेन वाला स्ट्रैप महंगा रहता है, ऑब्वियसली बात है, लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा आपका। हाँ, बहुत सारे लोग पूछेंगे इसका कलर उतरेगा क्या, तो गाइस कलर डेफिनेटली उतर जाएगा टाइम टू टाइम, ब्लैक वाले का तो काफ़ी उतर जाएगा और सिल्वर वाले का नहीं उतरेगा, तो सिल्वर वाला आप चूज़ करिएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिए, एक्स्ट्रा फीचर्स फाइंड माय फोन कैमरा शटर म्यूजिक कंट्रोल टॉर्च लाइट ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगे इस वॉच में इटसेल्फ। तो गाइस ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सिंपल सा प्रीव्यू था बोट की वेव विविड का। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।